वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वेडनेसडे है, आज मैं पूरा दिन कैसे करके बिताऊंगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। पूरा दिन नहीं, हाफ डे है, क्योंकि 11:30 को मेरी डॉटर स्कूल जाती है, उसके बाद ही मैं पूरी घर का काम कर पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिलता इतना। अभी मैं शाम को थोड़ा बाहर जाऊंगी, इसलिए मैं दोपहर में खाना बना के जाऊंगी, आपके रोटी बनाऊंगी सिर्फ शाम को, क्योंकि शाम को इतना टाइम नहीं मिलेगा, आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा। और अभी मैं बनाऊंगी एक सब्जी और एक दाल। सब्जी में बनाऊंगी मिक्स वेज पनीर डाल के, और एक दाल बनाऊंगी लौकी के साथ। ये दाल मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को तो काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये दाल छठ पूजा के टाइम बनता है बिहार में, या नॉर्थ के साइड में वहाँ पे बनता है। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता रहेगा, लौकी के साथ चने की दाल। ये एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मैंने देखा था, तो देख के मैंने बनाया था, और बना के तो काफ़ी टेस्टी लगा, और काफ़ी सिंपल रेसिपी है। ये राइस के साथ भी बहुत टेस्टी होता है, तो वो मैं कैसे करके बनाऊंगी मैं दिखाऊंगी, और मेरा हाफ डे कैसे करके मैं बिताऊंगी वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। क्विक रिमाइंडर, मेरी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी न्यू पोस्ट आपको हमेशा मिलती रहे। ये दाल के लिए मैं बना रही हूँ चने की दाल, थोड़ा सा मैं भिगो के उसको बॉयल करने के लिए दिया है, ये देखिए। और लौकी मैं चॉप करके उसके अंदर अभी डाल दी हूँ, मैंने आधा डाल दिया और थोड़ा सा बाकी है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्दी डालूंगी और सॉल्ट डालूंगी। सब्जी जो बनाऊंगी वो मैं कैसे करके बनाऊंगी, उसके लिए सिर्फ फ्लावर चाहिए, कॉलीफ्लावर मोटा मोटा करके मीडियम साइज का काटा है, और उसके बाद गाजर, गाजर को भी मैं थोड़ा मोटा मोटा चॉप करूंगी, और मटर, और ये स्वीट कॉर्न है, टमाटर चाहिए दो, और पनीर मैंने सुबह में बना के रखी है, मैं घर पे पनीर बनाती हूँ। और पनीर कैसे करके बनाते हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैंने इसका वीडियो बनाया था। गार्लिक चाहिए और जिंजर, ये मैं ग्राइंड करूंगी। तो अभी मैं पहले पनीर को फ्राई कर लूंगी शैलो फ्राई। अभी भी जब तक पनीर ये फ्राई हो रहा है धीमी आंच पे मैं फ्राई करूंगी, तब तक मैं मसाला ग्राइंड कर लूंगी। धनिया मैं 2 चम्मच लूंगी, 2 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा, और ये जीरा 3 चम्मच, और मिर्ची, ये मसाले के मैं अभी ग्राइंड करूंगी। देखिए मसाला मेरा पीस चुका है, एकदम ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा दरदरा जैसा पीसना है। 2 अनियन को छील लूंगी, अभी अनियन को मैं स्लाइस करूंगी। अभी पनीर भी फ्राई हो चुका है, मैं इसको उठा के प्लेट में रख दूंगी। तेल गरम होने के बाद ही जो मसाला मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके रखा था, धनिया जीरा और मिर्ची सूखी मिर्च, उसको मैं डाल दूंगी। उसके बाद मैं प्याज को भी डाल दूंगी। अभी प्याज जब तक भुनेगा तब तक मैं ये जो गार्लिक, अदरक, और मैं एक ग्रीन चिली डालूंगी। ग्रीन चिली का मैंने सीड निकाल दिया, ज्यादा तीखा हो जाएगा। प्याज भून चुका है, हल्का सा भूनना है, ज्यादा एकदम ब्राउन नहीं करना है। जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट मैं डाल दूंगी। जिंजर गार्लिक हल्का सा भूनना है, उसके बाद सारे सब्जी मैं उसमें डाल दूंगी। अभी मैं इसमें हल्दी डालूंगी 1 चम्मच, और थोड़ा सा
लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं डालूंगी। और इसमें इसी समय सॉल्ट डाल के मैं ढक के पकाऊंगी। हाफ पक चुका है, इसी टाइम पे मैं टमाटर को काट के डालूंगी। इसको और थोड़ी देर ढक के मैं पकाऊंगी जब तक टमाटर गल जाए। हाँ, दाल भी पक चुका है। अभी मैं इसमें स्वीट चॉप डालूंगी। चॉप के लिए आपको चाहिए हरी मिर्च 3-4 और बड़ी इलायची और घी और जीरा, बस और कुछ नहीं चाहिए। और ये मिर्च को मैं तोड़ के डालूंगी। मैं 2 चम्मच घी डालूंगी, जीरा डालूंगी 2 छोटी चम्मच और बड़ी इलायची को डाल दूंगी। उसके बाद मैं ये हरी मिर्च डाल दूंगी। अभी दाल बन चुके हैं। अभी मैं मिक्स वेज में पंजाबी गरम मसाला डालूंगी। ये गरम मसाला मैं घर पे बनाती हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पनीर को भी डाल दूंगी और लास्ट में कैप्सिकम इसमें पड़ता है, लेकिन मेरे पास कैप्सिकम भी नहीं है तो मैं शाम को मार्केट जाऊंगी। सब्जी बन चुकी है, अभी मैं धनिया पत्ता डाल के गैस ऑफ कर दूंगी। अभी मैं खाना खाने बैठी हूँ, लंच 1:30 बज रहा है, आज थोड़ा लेट हो गया। नॉर्मली मैं 1-1:30 के अंदर ही खा लेती हूँ, लेकिन आज 1:30 क्रॉस हो चुका है तो इसी टाइम पे खा रही थी। अभी मैं राइस और फिश का जो करी बनाई थी सुबह में वही खाऊंगी। आज ये महाराष्ट्र स्टाइल फिश का करी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कुछ फ्रेंड्स और आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कुछ वेज रेसिपी, क्योंकि कुछ आप में से मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था नॉन वेज नहीं खाते, तो उनके लिए कुछ वेज रेसिपी बनाओ, जो नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए भी मैं कुछ बना पाऊँ, तो इसीलिए मैंने वो 2 रेसिपी शेयर किया। और अभी शाम के टाइम पर मैं दिखाऊँगी आपको कहाँ मैं जाऊँगी। मैंने खाना खा लिया, खत्म भी हो गया, आप टेस्टी भी था। और अभी मैं आप सबका कुछ कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूंगी, क्योंकि मैं ये खाना खाने के बाद दोपहर के टाइम मुझे थोड़ा सा फ्री मिलता है, इस टाइम पर मैं खुद का जो एडिटिंग या कुछ काम रहता है वो मैं कर लेती हूँ, या घर का कुछ काम रहता है वो भी मैं कर लेती हूँ। तो आज घर का उतना कुछ काम नहीं है, सुबह में मैंने कर लिया था, तो अभी सिर्फ ये आप सबका कुछ कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं शाम को बाहर जाऊँगी। अभी मैं देखिए क्या खा रही हूँ, मलबेरी। ये मेरे घर पे था, मैं थोड़ा सा बच गया था, स्वीटी मेरे डॉटर लेके गई थी, उसके बाद थोड़ा सा था तो मैंने बोला चलो गाड़ी पे बैठ के खा लूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी। ये मलबेरी बहुत मीठा होता है, तो स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा मीठा। अभी मैं सांताक्रूज आई हूँ, कुछ सामान खरीदना है, तो क्या खरीदूंगी मैं दिखाऊंगी। और यहाँ से मैं जुहू जाऊंगी, वहाँ पे भी कुछ काम है। अभी मैं बाहर से आ चुकी हूँ शॉपिंग करके, थोड़ा बहुत घर का कुछ सामान भी चाहिए था और कैप्सिकम भी नहीं था वो भी लाई। अभी मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी।
क्योंकि शाम से चाय नहीं पी तो सर दर्द हो रहा था। मैं दो टाइप की चाय मिक्स करके बनाती हूँ, थोड़ा कड़क चाय पीते हैं हम लोग। एक चाय थोड़ा सा फीका है तो स्ट्रॉन्ग के लिए, लिकर के लिए और एक चाहिए। और मेरा मारी बिस्किट मुझे चाहिए चाय के साथ। थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ अभी क्योंकि मारी बिस्किट मैदे का होता है, खाना अच्छा नहीं होता है, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है। मेरा वेट काफ़ी बढ़ चुका है तो मेरा बैक पेन भी है, इसलिए वेट कम करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो मारी बिस्किट अभी थोड़ा कम कर चुकी है, दो लेती हूँ कभी कभी। और चाय पीने के बाद अभी मैं तो ड्रेस भी अभी तक नहीं चेंज किया, उसके बाद फ्रेश होंगी, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी, रोटी बना के हम लोग डिनर खाएंगे। और मैं क्या लाई हूँ थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए मैं क्या शॉपिंग करके लाई, एक बास्केट लाई है बाथरूम के लिए, मुझे चाहिए था। और एक मेरी डॉटर का एक टॉय, ये मसाला मिक्सिंग गाड़ी उसको चाहिए था वो लाई। एक किचन का डब्बा स्टील का, ये बाहर स्नैक्स ले जाने के लिए अच्छा है, स्टील का है और सिर्फ ढक्कन प्लास्टिक का है। देखिए कितनी सुंदर बर्ड। ये देखिए और एक छोटी सी बर्ड का जार। और एक ये स्प्रे लाई बाथरूम के लिए, नहीं तो किचन के लिए कभी बार यूज होता है। ये मिल्टन का है, दिख के मुझे बहुत सुंदर लगा तो मैंने ले लिया। अभी हम खाना खा के उसके बाद ये जो वीडियो है इसको मैं एडिटिंग करूँगी, उसके बाद ही मैं सो पाऊँगी। और मेरा ये डेली ब्लॉग, मेरे पूरे दिन का जो ब्लॉग बनाई, ये कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा घर का रोज़ का रूटीन होता है, ये इसी तरीके से मैंने इसको आपके सामने पेश किया। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।